मतलब जॉब भी अच्छी चीज है, लेकिन जब आप अपना काम करते हो तो आपको एक फ्रीडम जरूर मिल जाती है कि आप एक काम नहीं पसंद आ रहा है दूसरा कर लो। मेरे को एक दो डिफेमेशन के नोटिसेज आए, और उसके साथ सिर्फ नोटिस ही नहीं आया, उसके साथ फोन भी आया। वो भयंकर गुस्से में थे और मैं सुन रहा था बस, मैंने हेलो ही बोली, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला। जो भी वेज नॉन वेज जो उनके मन में था, उन्होंने सब जो था वो मैं भड़ास निकाल दी मेरे पे। दूसरा उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज बोली, बोला अगर कुछ काम कर रहे हो और सामने से अगर कोई अटैक ना करे तो मतलब काम नहीं कर रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ टॉक इट इजी। जैसे कि बचपन में हम सबका ड्रीम होता था कोई एक ऐसा काम करना जो फियरलेस हो, जिसमें डेयरिंग हो। जैसे किसी को आर्मी में जाना पसंद था, किसी को हैकर बनना पसंद था, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें व्हाइट कॉलर जॉब पसंद आती है। हमें लगता है कि कौन इतनी झंझट में पड़ेगा, कोई ऐसा काम मिल जाए जिसको हम बैठ के आराम से कर सकते। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, उन्होंने वो अपना बचपन का ड्रीम आज भी जिंदा रखा है। वो एक जर्नलिस्ट है। दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद मौर्य बोलचाल के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। जर्नलिज्म एक ऐसा पैशन या फिर करियर जिसमें बहुत सारी डेयरिंग चाहिए, बहुत सारी हिम्मत चाहिए। तो जानते हैं उनका ये करियर कैसे शुरू हुआ और आज की लाइफ कैसे चल रही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप इस करियर को कैसे शुरू कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो अरविंद, कैसे हो? बढ़िया, आप सुनो। अच्छा, अभी जो वर्किंग चल रही है जर्नलिज्म में, कैसा चल रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस? मतलब सीख रहे हैं डे बाय डे, नई चीजें सीख रहे हैं। जब शुरू किया था तो मतलब उस टाइम देखते, आज देखते हैं उन वीडियोस को तो, और आज कंपेयर करते हैं जब आज काम कर रहे हैं तो मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज भी हुई हैं, कुछ नई चीजें आई हैं, कुछ नई चीजें सीखने को मिली हैं, तो चल रहा है प्रोसेस। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जर्नलिज्म में कोई पर्टिकुलर कोर्स या स्टडी करी है, मतलब जैसे इस फील्ड में आप आए? करेंटली अभी मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, अच्छा, तो उसमें अभी वैसे मैंने स्टडी जो है वो लॉ की है, ओके, ठीक है। तो बाई पैशन जो था अच्छा, वो। लॉ लॉ में स्टडी करी है, तो आफ्टर अपनी प्लस टू के बाद आपने लॉ में स्टडी करी है, हाँ उससे पहले भी कोई और डिग्री करी है आपने? नहीं, आफ्टर प्लस टू लॉ, अच्छा। और उसके बाद और जब घर वालों को बताया कि मेरे को अब ये काम करना है, नहीं, लाइक घर वालों डिग्री को के बाद? बताया नहीं, बस करता गया, उनको पता ही था कि ये कर रहा है। ओके स्टार्टिंग में तो कोई एग्री नहीं होता, बट फिर ओके भी काम करते रहे तो एक उनमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है धीरे धीरे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्टअप किया और उनको पता लगा, तो उस टाइम सपोर्ट था या नहीं, नहीं? नहीं उस टाइम किसी का सपोर्ट नहीं होता जब आप स्टार्ट करते हो, ओके ठीक है। और अब कैसा डिफरेंस है? मतलब ठीक है, घर वाले सपोर्ट इन द सेंस कि वो उस आइडिया के साथ सपोर्ट नहीं करते हैं, बेसिकली तो वैसे सपोर्ट में होते हैं, बट ओके जो आइडिया है उसको सपोर्ट नहीं करते। धीरे धीरे जब आप आइडिया पे वर्कआउट करोगे, उसके ऊपर उसको कुछ हाँ अचीव करोगे, ठीक तो है। बिलीव जो है वो लोग करते हैं धीरे ओके धीरे। अच्छा अरविंद, एक चीज़ बताई थी कि मैं अभी लॉ की स्टडी कंप्लीट की है ना? अब जब लॉ की स्टडी कर रही थी, तो उसमें भी इंटरेस्ट है या मतलब अपने आप ही जर्नलिज्म में इंटरेस्ट निकला तो उसके बाद आपने ये स्टार्ट कर दिया? नहीं, लॉ भी कर रहे हैं, मतलब लॉ भी करूँगा, लॉ कर ली है, और दूसरा अभी करंटली जो है फुल टाइम जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ। मेरे को मज़ा आ रहा है इस काम को करने का, तो इसको कर रहा हूँ अभी, और जब लॉ में करने का मन करेगा तो लॉ में भी करेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है हमारे ऊपर कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमें रोक रहा है कोई किसी चीज़ को करने के। वो पुराने टाइम की बातें थी कि ठीक हाँ है। उस टाइम पे आप जॉब करते थे तो आपको जॉब ही करनी पड़ेगी, हाँ 9 to 5 जॉब कर रहे हो या जो भी चीज़ें हैं, हाँ मतलब हाँ जॉब भी हाँ अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप मतलब अपना काम करते हो तो आपको एक फ्रीडम जरूर मिल जाती है कि आप एक काम नहीं पसंद आ रहा है दूसरा कर लो। बिल्कुल। और मतलब कि डिग्री कोई की है तो जरूरी नहीं कि उसी फील्ड में जाना, मतलब आप कुछ और भी स्टार्टअप कर हाँ, उसके साथ सकते जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हैं। मतलब मैं हाँ आज भी लॉ की जो बुक्स हैं, चाहे बेरेक्स बोलते हैं उनको या अच्छा बुक्स जो भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड, मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ ताकि टच में भी रहूँ। और अगर जर्नलिज्म में भी एक चीज़ होती है कि उसमें आप लॉ फील्ड से जुड़ा हुआ जर्नलिज्म भी जो है वो कर सकते हैं फुल टाइम तौर पर। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं या हाई कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, लैंडमार्क ओके जजमेंट्स आती हैं, ओके तो अगर उसको लेकर ही आप एक जर्नलिज्म कर रहे हो तो वो भी उस तरीके से भी चल सकता है, लेकिन फिर भी जुड़े रहना जो है वो अपनी स्टडी से बड़ा ओके ज़रूरी अच्छा अरविंद, जैसे जर्नलिज्म की बात करें है ना, एक रिपोर्टिंग करना वो सारी चीज़ें, तो ये कोई आम सा काम नहीं है। है। ऑब्वियसली बात है, आपका फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल। मतलब आपके मतलब ऐसा क्यों लगा कि पूरे क्लास में से एक यूनिक, हाँ मैं इस चीज़ में जाऊँगा, मतलब ऐसा क्या था आपको स्टार्टिंग से कि हाँ नहीं मुझे इस चीज़ नहीं में, मैंने मतलब ऐसा या मेरे अंदर कुछ नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा, बट बेसिकली एक आइडिया था कि अपने समाज को जो है वो कुछ रिटर्न में देना है। जब हम समाज से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जिस सोसाइटी के आसपास हम रहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी लेते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी लेते हैं, तो हमारी शुरू से ही मतलब एक कोशिश थी कि सोसाइटी को जो है वो कुछ ना कुछ रिटर्न में देना है, ओके तो ठीक उस है। सोच को काम अवेयर करते करना करते, हाँ है ना, वो क्योंकि चीज़। जर्नलिज्म में काफ़ी ब्रेवरी भी वाला काम है ना, जज्बा होना चाहिए आप बिल्कुल। में उस अकॉर्डिंगली। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब इस फील्ड में आपने काम करना शुरू किया है ना,
आपके साथ अभी ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई टीम काम कर रही होगी, तो वो टीम खुद आगे निकल के आई है या आप में आपने वो आइडिया उनके सामने रखा कि हम लोगों को अवेयर करेंगे या अपनी जो सराउंडिंग में है उनके लिए हम कुछ करेंगे, तो ये क्या कहाँ से स्टार्टअप हुआ? लाइक टीम बहुत पहले से है, बेसिकली टीम जो है वो बचपन से साथ ही है. अच्छा. और उनके जो जैसे मैं जर्नलिज्म में पैशनेट हूँ, कोई कैमरा को लेके पैशनेट है, कोई वीडियोस को लेके पैशनेट है. अच्छा. कोई आइडियाज़ को लेके पैशनेट, तब वो ही जो हमारी टीम है वो साथ में बनी और हमने जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हीं के साथ में टीम बना रहा हूँ और उसी के साथ हम काम कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, कुछ चैलेंजेस आते हैं मतलब ड्यूरिंग जब ये काम करते हैं? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं. कोई ऐसा चैलेंज जो आपको लगा हो कि हाँ नहीं ऊपर की मतलब कोई ऐसा प्रेशर आया हो या कोई कहीं से भी आपको ऐसा फील हुआ हो कि, वैसे तो बहुत सारे आपने फील किए हुए, लेकिन कोई आप एक किस्सा शेयर करना चाहते हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था और उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि नहीं मतलब लिटरली यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती. मतलब मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ तो मेरे को पता है कि डिफेमेशन जो होता है वो एक क्या केसेस होते हैं, उसमें क्रिमिनल होता है, सिविल होता है, वो सारी चीजें मेरे को पता है. मतलब मैं उसके उस प्रोसेस को जानता हूँ कि डिफेमेशन कैसे होता है और क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं अगर वो प्रूव हो जाता है कोर्ट में. मेरे को एक दो डिफेमेशन के नोटिस आए और उसके साथ सिर्फ नोटिस ही नहीं आया, उसके साथ फोन भी आया. ओके. तो फोन जो होता है वो बड़ा एक मतलब बड़ी चीज है, मैं फोन अवॉइड ही करता हूँ मैक्सिमम कि पता नहीं किसका फोन है क्या वो है, लेकिन उठाना पड़ता है क्योंकि काम ही वो है, लोगों से बात करना और उनकी समस्याएं सुनना. तो एक ऐसा फोन आया डिफेमेशन के नोटिस, आप बोला आप भयंकर मतलब थे कोई वो भयंकर गुस्से में थे और मैं सुन रहा था बस, मैंने हेलो ही बोली, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला. जो भी वेज नॉन वेज जो उनके मन में था उन्होंने सब जो था वो मैं भड़ास निकाल दी मेरे पे. और उसके बाद मेरे को लगा कि यार मतलब हम तो ठीक ही कर रहे हैं और मेरे कोई मोटिव ही नहीं था कि उनको मतलब डायरेक्टली मैं टारगेट करूं या वो जो काम है वो करना पड़ता है. अगर कुछ गलत हो रहा है तो जर्नलिस्ट का वो एक बनता है कि उसको दिखाए चीजों को. फिर मैं सुनता कि मैंने उनको बोला कि ठीक है आप देख लीजिए जो करना होगा कोर्ट में आपको कर लीजिएगा. उसके बाद मैं अपने जो मेरे सीनियर हैं एडवोकेट सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं तो मैंने उनसे मतलब इस बारे में जानने की कोशिश की कि क्या है भाई, बंदे की रिकॉर्डिंग की उसको मैंने उनको बताई वो चीज़. तो कोई बात नहीं बोला, नॉर्मल है, चलता रहेगा, काम कर रहे हो. और दूसरा उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बोली, बोला अगर कुछ काम कर रहे हो और सामने से अगर कोई अटैक ना करे तो मतलब काम नहीं कर रहे हो. तो वो अटैक जो है वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है. तो उस इंसिडेंट से मेरे को ये चीज़ सीखने को मिली, फिर और एग्रेसिव जो धीरे धीरे वो चीज़ें होगी. अच्छा, एक और चीज़ अरविंद, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे अभी आपने कंटिन्यू किया, अभी आपने एक चैलेंज भी बताया ना उस चीज़ को लेके, तो कभी मतलब फैमिली को ये चीज़ शेयर करी कि मेरे को ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, या उनको सिर्फ वो पॉजिटिव फेज ही दिखाते हो कि बस यहाँ पे गया था ये चीज़ हुई ये या ऐसे काम चल रहा है? मतलब ये वाला तो इसके बाद ही देखेंगे, पॉडकास्ट के बाद ही देखेंगे. ओके, ठीक है. सो अरविंद, जैसे अभी आपने चैलेंजेस बताए हैं ना, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस टाइम पे पूरे सोसाइटी में या पूरे हम इंडिया में देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं ना, लेकिन इस टाइम पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे कोई इतना आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए मतलब एक्चुअल में जो चीज़ें होनी चाहिए उसके बजाय मेन हो रहा है एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है ना बातें या बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स को आना चाहिए, बट यंगस्टर्स आ नहीं रहे हैं, बहुत रेयर हम यंगस्टर्स को देखते हैं. तो मतलब यहाँ पे आप क्या चीज़ बताना चाहते हो कि हाँ लाइक नहीं आपको अगर जैसे ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे आप आगे काम करते जाओगे एक टाइम आएगा कि आपका जो जो भी आप काम कर रहे हो वो बहुत और बड़े लेवल पे जाएगा, तो शायद हो सकता है कि पॉलिटिकल या उससे भी ऊपर वाले लेवल से एक प्रेशर आ सकता है. नो डाउट अभी आप उस लॉयल्टी के साथ सारा बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, पर एक टाइम पर वो चीज़ें हो सकती हैं कि आप पे भी वो प्रेशर है, तो आप उस चीज़ को मेंटेन करेंगे या टाइम टू टाइम जैसे बाकी अभी मैंने पॉइंट उठाया कि जैसे चेंज हो जाते हैं मीडिया है ना, तो वैसा कुछ होने वाला है? मतलब जो काम हम कर रहे हैं बेसिकली जैसे मैं कर रहा हूँ, जो मेरी संस्था है उसका नाम है, हम लोग एक काम कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल बड़ा क्लियर होना चाहिए जिस प्रिंसिपल को लेकर आप स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं. और दूसरा, जर्नलिज्म जो है वो एक काफ़ी पुराने टाइम से चीज़ें ये चली हैं और अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को भी देखोगे तो उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट जो मतलब हमारे लीडर थे, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, जो पर्चे बांटते थे वो भी एक जर्नलिज्म था उस टाइम पे, वो भी एक तरह का जर्नलिज्म कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर था. तो बेसिकली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं पार्शियली एग्री करूंगा इस चीज़ से कि यंगस्टर्स नहीं आ रहे हैं. अब सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने चैनल बनाने शुरू किए और उसमें यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत आगे आ रहे हैं एक तरीके से. एक उनके लिए स्वरोजगार भी है वो, दूसरा वो एक सोसाइटी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, बहुत कम लोगों में ये चीज़ें होती हैं कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ हटकर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको
इजी लाइफ चाहिए, आपकी जॉब लगी आप जॉब कीजिए, आपका बिजनेस है, चाहे जॉब की बात नहीं कोई बिजनेस कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, उसका एक इजी लाइफ चाहिए कि आपका इजीली जो है वो सारी चीजें चले। लेकिन जब आप कुछ हटकर करते हो तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वही जर्नलिज्म में भी सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल क्लियर है, आज आप कंपेयर करो आप किसकी साइड हो, जिस नेशनल मीडिया की हम बात करते हैं उसको लोग देखते हैं, हो सकता है लोगों को वो डिस्कशंस पसंद आ रही हों या जो चीजें वहां पे चल रही हैं वो लोग उससे उसको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम भी, मैंने पर्सनली नोटिस किया जब हम ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं तो कुछ अच्छी चीजें जब हम बताते हैं, अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं, बहुत कम लोग उस पर जुड़ते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उसको लोग जो है बहुत देखते हैं, बिल्कुल, तो वो एक हो सकता है। लेकिन वो चैनल्स अपनी टीआरपी के लिए करते हैं या प्रेशर के उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो मैं ग्राउंड लेवल की अगर आपको बात बताऊँ, आज के टाइम पे हिमाचल में ही जो है वो हमारे बटसर की, मैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे आज के टाइम पे 5 चैनल्स काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के। तो ये कहना भी गलत है कि लोग जो हैं वो उस चीज़ में आ नहीं रहे हैं, जर्नलिज्म में आ नहीं रहे। सोशल मीडिया के आने के बाद मेरे को लगता है काफ़ी जो है वो ड्रास्टिक चेंज आया है, क्योंकि जब आप एक न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर के लिए भी काम करता हूँ, तो वहाँ पे जो एक प्रेशर रहता है और कुछ खबरें ऐसी होती है जहाँ पे जो आपको लगता है कि ये लगनी चाहिए लेकिन वो लग नहीं पाती हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अपना प्लेटफॉर्म है, अगर वो वहाँ नहीं लगी तो हम उसको जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर, तो ये सोच लेके जो है वो काफ़ी लोग जो हैं उन बड़े मीडिया हाउसेस से बाहर निकल कर आए और उन्होंने अपना काम शुरू किया है। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया का जैसे क्रेज अब बढ़ेगा और जैसे लोग इसके अप्रति जो है वो अवेयर होंगे, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक तरीके से लोगों को रीच बढ़ा रहा है। हाँ, जैसे पहले इतनी रीच नहीं हो पाती थी, टीवी भी बहुत सारे लोगों के घर में नहीं होता, जब पर मतलब इन द सेंस की टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट इतनी ज्यादा कर दी सोशल मीडिया की, उसने रीच इंक्रीज कर दिया है ना, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आती है इससे। अब जैसे पहले होता था कि आपने खबर लगाई कोई, अब वो खबर जो है वो अगले दिन छपती है अखबार की, अगर मैं बात करूं आज से 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करूं, वो खबर अगले दिन छपेगी, लेकिन उससे पहले बड़े चांसेस हैं कि उस खबर को जो है वो मैनेज कर लिया जाए या पैसा देकर या प्रेशर करके, तो वो अगले दिन खबर ही नहीं लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज सोशल मीडिया पे मान लो कि मैं ही, मेरे को कोई खरीद लेता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे चैनल को जो है या मेरे को जो है वो कोई पैसे देके खरीद लेगा, कोई प्रेशर मेरे ऊपर बिल्डअप कर देगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं सबके पास फोन है आज के टाइम पे, और उसको जरूरी नहीं कि वो सोशल मीडिया का एक चैनल बनाकर काम करे, वो अपनी पर्सनल आईडी से भी अगर उसको शेयर करता तो वो अगर जेन्युइन चीज होगी तो वो मिनट्स में जो है वो वायरल हो जाती है। ओके, अरविंद कितना टाइम हो चुका है, मतलब कितने इयर्स में अगर मैं लेके चलूं जर्नलिज्म, कितना कितने टाइम हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल हो चुके। अच्छा, अभी जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं भी बिगनर ही हूं अभी। नहीं, स्टिल जैसे 3 इयर्स आना बहुत, मतलब एक तरीके से है। अभी मान लो किसी ने स्टार्टअप किया, 6 मंथ्स हुए हैं अपने एरिया में कोई स्टार्टअप का, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे कि हाँ, मतलब अगर आपने इस चीज को चूज किया है तो इसमें आपको क्या क्या, मतलब इसमें एजुकेशन पहले लेना जरूरी है कि पर्टिकुलर एजुकेशन लो या फिर उसके बाद एक्सपीरियंस करो, या मतलब क्या मैसेज देना चाहते हो जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया 3 इयर्स में? एजुकेशन जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन ये पैशन है तो आप जो है वो पहले उसको परस्यू करो, एजुकेशन आप उसके बाद भी ले सकते हो। ओके, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने की कहते हैं कि कोई जिंदगी वो एज ही नहीं होती है, हाँ, एज, तो एज वो कभी भी आप ले सकते हो। हाँ, वो कभी भी ले सकते हो। बिल्कुल। तो अच्छा, अगर पैशन है आप में तो आप उसको जाओ उसमें। दूसरा, जब चैलेंजेस आते हैं तो बहुत सा बंदा जो है वो डिमोटिवेट भी होता है, लेकिन अगर आप मतलब कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हो ना, कोई एक काम अगर आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो, बोलते हैं ना कि एक, मैं उसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन मतलब 100 बार भी अगर आप एक झूठ बोल देते हो तो वो सच लगने लगता है। Exactly. तो मतलब आप जो आइडिया के ऊपर अपने काम कर रहे हो, बेसिकली जो मैं आइडिया लेके चला था, मैं अपना चैनल बनाऊंगा उस पर ऐसे काम करेंगे, अगर मैं उस पर कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ तो वो सच है, नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे जब आप कंटिन्यूअसली काम करेंगे तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, जैसे अरविंद आपने बताया कि आपने लॉ करी हुई है, लेकिन अब जैसे जर्नलिज्म में आपने बताया तो इसमें डिग्री अलग होती है, ऑब्वियसली बात है ना, तो आपने कुछ किया इस चीज़ का, मतलब कुछ एक्सपीरियंस से आपने गेन, मतलब वो नॉलेज गेन करी है, या इस चीज़ को आपने सीखा किसी से कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई भी ऐसी चीज़? फेलियर बहुत बड़ी डिग्री है। ओके, मेरे को ऐसा लगता है कि फेलियर जो है वो सबसे बड़ी डिग्री है उसको। हाँ, मतलब हम इंडिया में, हमारी सोसाइटी में बड़े गलत तरीके से, हाँ, आप फेल हो गए तो मतलब आप करियर खत्म। फेलियर इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, तो मतलब, और उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर लो तो वो दोनों चीजें सेम रहती है, बैड एक्सपीरियंस से गुड एक्सपीरियंस आता है। तो मैंने आज तक जितना भी काम सीखा वो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और आगे भी सीख रहा हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से सीखूंगा। और जो एक्सपीरियंस आपको सिखा देता है वो कोई बुक नहीं सिखा सकती, कोई क्लास नहीं सिखा सकती। तो मतलब वो कहते हैं ना कि रगड़ा लगाना, जैसे आर्मी में कहते हैं कि रगड़ा लगाओ, तो वो जो एक, जब एक कैडेट तैयार होते हैं तो उसको फील्ड पे इतना वो
वो कर देते हैं कि वो उसके लिए, उसके बाद जो है वो किसी भी युद्ध मतलब के लिए वो काम करते करते भी सीख रहा है, या फिर मतलब किसी के एक्सपीरियंस से भी सीख रहा है ना, दो तरीके, या तो खुद करके सीखो या तो किसी और के एक्सपीरियंस डेडिकेशन, तो ये दोनों चीजें जो है वो चाहिए। ओके सो वेल, अब हम चलते थोड़ा सा अपने, हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए हम जो है एक मैसेज में आपसे कुछ फाइनलाइज क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि क्या स्कोप है इस चीज़ में, एक यूथ के लिए क्या हम कह सकते हैं कि कितना वो आगे जा सकता है, तो आपको क्या क्या लगता है? मतलब अगर उसने प्रोफेशनल एजुकेशन ली है उस चीज़ की, मान लो कि उसने जर्नलिज्म में कोई कोर्स किया है, तो वो डेफिनेटली बड़े मीडिया हाउसेस के लिए जाए, वहाँ पे एक्सपीरियंस ले काम कैसे किया जाता है, और एक जो प्रेशर वहाँ पे रहता है उसके अंडर जो बहुत सारी चीज़ें जो किसी मतलब व्यक्ति में जो भी जाएगा उस पर डिवेल्प हो जाती हैं वो चीज़ें। दूसरा, अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, ठीक है, उसके साथ आप वहाँ पे जाके जो है वो आप काम कर सकते हो। और दूसरा, जैसे आप स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे, अब फॉरेन कंट्रीज़ में हमें बताया जाता है कि ये कल्चर है, वर्क कल्चर है वहाँ पे, लेकिन इंडिया में क्या है कि आप डिग्री लोगे उसके बाद जो है वो एक सेटअप बना हुआ है कि हाँ प्लस टू करेंगे उसके बाद डिग्री लेंगे उसके बाद मास्टर्स करेंगे गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी करेंगे। हाँ, वो मतलब वो चीज़ें एक वो बॉन्डेज जो है वो बड़ी ज़्यादा लगा दी गई। लेकिन अगर धीरे धीरे हमारा जो देश है वो प्रोग्रेसिव हो रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे स्कोप्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जब आप कॉलेज टाइम में उसी टाइम से जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे काम ढूंढने शुरू करो, है ना, ऐसे लोगों के साथ बैठना पार्ट टाइम में, मतलब करना स्टार्ट कर दो, जैसे फॉरेन में होता है 18 प्लस होने के बाद आप अपना खर्चा खुद उठाते हो और डिग्री के साथ साथ भी आप कुछ करना स्टार्ट कर देते हो, और ये कंपल्शन है जैसे हम देखते हैं कि फॉरेन में जाके एक स्टूडेंट भी, चाहे वो 24-22 साल का लड़का यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे जाके वो अपना खर्चा भी उठा रहा है और सारी चीजें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहा है। बेसिकली वो वर्क कल्चर पहले तो तैयार करने की जरूरत है, बिल्कुल, लॉ की है तो मैं भाई ढाबा क्यों खोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पसंद है खाना बनाना तो आप ढाबा भी खोल सकते हैं, वहां पे लॉ की डिग्री लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग इस पे नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप लॉ छोड़ दो, हाँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि लॉ छोड़ दो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है लॉ में या अगर ढाबा खोलने में, बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट है वो काम करो, वही चीज है कि एजुकेशन आपको कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगी, वो वेस्ट नहीं होने वाली जो आपने एजुकेशन ली है ना। ओके, सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि इसमें अर्निंग स्कोप क्या है? ये बड़ा एक मतलब हवा बना के इसको दिखाया जाता है, कहीं पे भी आप जाओ तो वहाँ पे पहले पूछ जाते हैं कितनी अर्निंग करोगे, क्या करोगे, ठीक है, वो चीज़ें एक टाइम तक ठीक रहती हैं, लेकिन जब बंदा वो काम करने लग पड़ता है तो ऑटोमेटिकली अगर कोई भिखारी भी है वो भी पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है, करोड़ों वाले भिखारी भी हैं। अभी मैंने देखा था कि कितना, एक मुंबई में बैगर ने कम से कम अपनी 6 करोड़ की फ्लैट ही परचेज करके रखे हुए हैं सिर्फ वो मांग मांग के। बेसिकली मैं थोड़ा सा इसका अलग तरह से आंसर देना चाहूंगा, एक्सपेक्टेशंस थोड़ा हम कम रखें स्टार्टिंग में जब हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो सीखना है। हाँ, अगर हमारी स्किल्स डेवलप होती है तो कल को उस स्किल्स का जो है वो आपको पैसा मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके पास आएगी। बेसिकली आप एक्सपेक्टेशंस कम रखो और काम जो है वो डेडिकेशन से करो, जब आपका काम अच्छा होगा, स्किल्स अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो अर्निंग, जो बेसिक एक पॉइंट है अर्निंग के साथ जो है वो इस प्रोफेशन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपका नेटवर्क बनता है और बहुत सारे स्कोप्स जो है वो आपको मिल सकते हैं, कि जरूरी नहीं आप पत्रकारिता करके ही जो है पैसा कमाओ, आपको साइड बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी छोटे मोटे दो तीन बिजनेस। पॉइंट जो अरविंद आपने उठाया नेटवर्क, बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया की बात करें वैसे ये एक नेटवर्क रीच पे ही जाता है, और अगर कोई पर्सन इस चीज में जा रहा है तो उसका मतलब नेटवर्क जरूर बढ़ेगा, और जिसका नेटवर्क That means कि वो all rounder है, उसको कहीं से भी वो income source generate कर सकता है। ठीक मतलब वही है कि जेब में पैसा खत्म हो जाता है तो जो कमाने वाला बंदा वो खुद सोचता है कि हाँ भाई अगला जुगाड़ कैसे करूं, तो वो जब आप काम करोगे तो वो नेचुरली वो चीजें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, सो अरविंद बहुत अच्छा रहा आज का जो हमारा कन्वर्सेशन थी, और अब मेरा जो फाइनल रहेगा, आप यूथ के लिए एक वो मैसेज दें जो वेल एजुकेटेड भी है, पढ़े लिखे भी हैं, और हमने देखा भी है कि बहुत सारे वेल एजुकेटेड में, सिर्फ मैं बॉयज़ को नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, वो गर्ल्स जिन्होंने इतनी डिग्रीज करी हैं बट स्टिल मैरिज करने के बाद वो कुछ नहीं कर रही हैं, तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनके लिए कोई ऐसा मैसेज, जो कन्फ्यूज चल रहे हैं कि हम करें या ना करें या बहुत सारे, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? बेसिकली अपने अंदर के जो एक आपका पोटेंशियल है उसको ज़रूर पहचानो, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो व्यक्ति के दिमाग से निकलती है, कोई भी है, कोई हम सोचते हैं उस चीज़ को, अगर कुछ भी हम सोच रहे हैं इस दिमाग में वो सब चीज़ें जो है वो पूरी हो सकती हैं। किसी टाइम पे किसी ने सोचा होगा कि हम चांद पे जाएंगे, लेकिन किसी ने सोचा कि चांद पे जाएंगे तो चांद पे पहुंचे। बेसिकली आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ सबसे पहले पहचानना जरूरी है, उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली काम करना। मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि कॉन्टिन्यूसली जब आप किसी चीज़ पर काम करोगे, मतलब जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें कॉन्टिन्यूसली, पैसे की और सारी चीज़ों की चिंता जो है वो उसको छोड़ दें, बेसिकली अपने काम पे फोकस करें,
वहां से जो आप सीखोगे उससे बहुत सारी चीजें जो आने वाले टाइम में आपको मिलेंगी। इंटरेस्ट लें, मतलब अपने काम से प्यार करें, अपने आप आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो काम आपको अच्छा लगता है उसको करने में मजा आता है, और जिस काम को करने में मजा है काम वही है। ठीक है, सो आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही, थैंक यू सो मच हमारे आज इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और हमारे बहुत सारे ऑडियंस को बहुत सारे मैसेज मिले होंगे, सो आप इसी तरीके से आगे ग्रो करते रहे, वी विश कि आपका आगे बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर हो, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।